मेरा नाम है सौरभ भट्ट, थर्ड ऑफिसर ऑफ अ फॉरेन गोइंग चेयर एंड टैटू आर्टिस्ट एट कोयलबर्ग टैटू स्टूडियो चंडीगढ़। मैं हूं आपका सलाहकार हिंदी में। चर्चा शुरू करने से पूर्व, इस चलचित्र के प्रायोजक हैं ऑफिसर्स मैरीटाइम अकेडमी देहरादून। प्रिय दर्शकों के लिए ऑफिसर्स मैरीटाइम अकेडमी ने 3 इस प्रकार की कमीजें भेजी हैं। यदि आपको ये पसंद हो तो इस चलचित्र के अंत में मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से आप इसे हासिल कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। आज का प्रश्न, एक दर्शक ने पूछा कि फंक्शन 1 ओरल्स देते हुए किसी सर्वेयर ने उनसे प्रश्न किया कि डिस्ट्रेस सिग्नल्स कब कब दिए जाते हैं, और अगला प्रश्न किया कि आप थर्ड ऑफिसर हैं, क्या आप डिस्ट्रेस सिग्नल दे सकते हैं। पहला प्रश्न, डिस्ट्रेस सिग्नल कब कब दिए जाते हैं। 3 परिस्थितियां हैं। प्रथम, आपका अपना जहाज खतरे में है और आपको सहायता की आवश्यकता है। दूसरी परिस्थिति, कोई दूसरा जहाज खतरे में है और उसे आवश्यकता है सहायता की, लेकिन वो डिस्ट्रेस सिग्नल भेज नहीं पा रहा है। तीसरी अवस्था, कोई दूसरा जहाज है जो खतरे में है और उसे आवश्यकता है सहायता की, उसके पास सहायता पहुंच भी गई है, शायद कोई दूसरा जहाज है जो उसकी सहायता कर रहा है, किंतु उसको और अधिक सहायता की आवश्यकता है। ऐसे में भी हम डिस्ट्रेस सिग्नल भेज सकते हैं। अब ये तो मैंने सरल हिंदी में आपको कहा, अब इसका अंग्रेजी अनुवाद, क्योंकि सर्वेयर से जब आप बात करेंगे आप अंग्रेजी में करेंगे, किस प्रकार से उन्हें उत्तर दिया जाए। 3 कंडीशंस। नंबर 1, माय ओन वेसल इज इन इमिनेंट डेंजर एंड रिक्वायर्स इमीडिएट असिस्टेंस। मेरा अपना जहाज इमिनेंट डेंजर में है, खतरे में है, एंड रिक्वायर्स इमीडिएट असिस्टेंस, और मुझे आवश्यकता है सहायता की। 2, इफ देयर इज अनदर वेसल और एयरक्राफ्ट। याद रखें, डिस्ट्रेस सिग्नल ना केवल जहाज के लिए, ना केवल समुद्री जहाज के लिए, लेकिन हवाई जहाज के लिए भी आप दे सकते हैं। तो आप उत्तर इस प्रकार देंगे, If there is another vessel or aircraft in imminent danger and requires immediate assistance but is unable to send distress signals, then we will send the distress signal. कि कोई दूसरा जहाज है, समुद्री जहाज या हवाई जहाज, जो खतरे में है, imminent danger and requires immediate assistance, खतरे में है और आवश्यकता है इमीडिएट असिस्टेंस, सहायता की, लेकिन वह डिस्ट्रेस सिग्नल स्वयं भेजने में सक्षम नहीं, ऐसे में हम डिस्ट्रेस सिग्नल भेजेंगे। और तीसरी परिस्थिति, इफ देयर इज अनदर वेसल और एयरक्राफ्ट विच इज इन इमिनेंट डेंजर एंड ऑलरेडी हैज असिस्टेंस बट requires additional assistance, कि एक दूसरा जहाज है, समुद्री जहाज या हवाई जहाज, जो खतरे में है और उसके पास सहायता भी मौजूद है, कोई दूसरा जहाज उसकी सहायता कर रहा है, किंतु उसको और अधिक सहायता की आवश्यकता है, तो भी हम डिस्ट्रेस सिग्नल भेजते हैं। इतना साफ हुआ। अब अगला प्रश्न है, आप थर्ड ऑफिसर हैं, क्या आप डिस्ट्रेस सिग्नल भेज सकते हैं। देखिए, अपना जहाज डूब रहा है या आप देख रहे हैं कोई दूसरा जहाज डूब रहा है, जान पर बनी है, आप डिस्ट्रेस सिग्नल भेजेंगे या नहीं भेजेंगे। स्वाभाविकता आप भेजेंगे, क्यों नहीं भेजेंगे। मर रहे हैं लोग या मरने वाले हैं, जरूर भेजेंगे।
किंतु आप सर्वेयर की मानसिकता में जाने की कोशिश करें। असल में वे जानना चाहते हैं कि क्या आपके पास अथॉरिटी है, क्या आप सक्षम हैं, क्या आपको किसी की अनुमति चाहिए डिस्ट्रेस सिग्नल भेजने से पूर्व, क्या आपके पास पावर एंड अथॉरिटी है डिस्ट्रेस सिग्नल भेजने की, क्या आपको किसी की परमिशन चाहिए डिस्ट्रेस सिग्नल भेजने के लिए। असल में वह सर्वेयर ये प्रश्न पूछना चाहता है आपसे। अब देखिए, असली जीवन में आप किसी की इंतजार थोड़ी करेंगे, जहाज डूब रहा है, मरने वाले हो या कोई मर रहा है, असल जीवन की बात अलग है। लेकिन नियम क्या है? नियम ये है कि आप सक्षम नहीं हैं, आपको आवश्यकता है अनुमति की। किसकी अनुमति? कप्तान साहब। ओनली मास्टर हैज द अथॉरिटी टू सेंड डिस्ट्रेस सिग्नल। व्हेन मास्टर गिव्स मी परमिशन देन ओनली आई कैन सेंड द डिस्ट्रेस सिग्नल। इसका ये सीधा सीधा उत्तर है कि मैं सक्षम नहीं हूं डिस्ट्रेस सिग्नल भेजने के लिए, मुझे आवश्यकता है कप्तान साहब की अनुमति की। जब वे मुझे आदेश दें, वे मुझे निर्देश दें, जब कप्तान साहब मुझे अनुमति दें, उसके उपरांत ही मैं डिस्ट्रेस सिग्नल भेज सकता हूं। इतना, यदि आप इतना कह दें तो मुझे आशा है कि सर्वेयर संतुष्ट हो जाएंगे। अब इस चलचित्र को आपने अंत तक देखा, इसके लिए मैं अति अनुग्रहित हूं। और इस प्रकार की कमीज मैं आपको भेंट देना चाहता हूं। यदि आपको ये पसंद हो तो आप कमेंट्स में जाकर अपना पता लिख दें, मैं आपके घर पे ये कुरियर कर दूंगा। मेरे पास केवल ऐसी 3 कमीजें हैं जो ऑफिसर्स मैरिटाइम एकेडमी ने भेजी है, तो केवल पहले 3 दर्शकों को ही मैं ये भेज पाऊंगा। तो यदि आपको ये पसंद आई कमीज तो आप मुझे बता दें, अपना पता भेज दें और मेरी भेंट स्वीकार करें। सौरभ भट्टी आउट।